द मिडनाइट विजिटर, क्लास 10th। इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी है, जाकर देख लीजिएगा। आइए देखें, इनको एक बार सुनने के बाद आप अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु जम्प्ड ऑफ द विंडो बिलीविंग देयर वॉज अ बालकनी। तो खिड़की से कौन कूद गया ये विश्वास करते हुए कि वहाँ पर बालकनी है? ऑप्शन ए मैक्स, ऑप्शन बी पुलिस, ऑप्शन सी आसबल, ऑप्शन डी फाउलर। तो इसका राइट आंसर है मैक्स। हुज नॉकिंग डिड आसबल क्लेम इट टू बी। तो ये कौन दरवाज़ा खटखटा रहा है, दस्तक दे रहा है दरवाजे पर, ऐसा जो आसबल क्लेम करता है? ऑप्शन ए पुलिस, ऑप्शन बी वेटर, ऑप्शन सी मैक्स, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो आप जानते हैं कि आसबल ने कहा कि ये पुलिस है, मैंने कहा था सुरक्षा की आवश्यकता है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डिड मैक्स इंटर हिज रूम। मैक्स अपने कमरे में क्यों प्रवेश किया? ऑप्शन ए टू शूट फाउलर, टू शूट आसबल, टू स्नैच अ क्रूशियल रिपोर्ट फ्रॉम आसबल। ऑप्शन डी टू स्नैच अ क्रूशियल रिपोर्ट फ्रॉम फाउलर। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन, वेयर डिड मैक्स एक्चुअली इंटर फ्रॉम। तो वास्तव में मैक्स कहाँ से प्रवेश किया था? ऑप्शन ए डोर, ऑप्शन बी बालकनी, ऑप्शन सी विंडो, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। राइट आंसर होगा आपका डोर, दरवाजे से प्रवेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड मैक्स क्लेम टू हैव एंटर्ड। तो मैक्स ने कैसा क्लेम किया, दावा किया कि हम प्रवेश किए हैं? ऑप्शन ए अपास की, ऑप्शन बी बालकनी, ऑप्शन बी विंडो, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। आप जानते हैं उसने कहा कि मेरे पास पास की है, चाबी है, तो उसने क्लेम किया कि पास की, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, वेयर डिड आसबल थिंक मैक्स वाज। आसबल ने सोचा कि मैक्स था, कहाँ पर था, ये कहाँ सोच रहा था कि वहाँ पर है? ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी बर्लिन, ऑप्शन सी बोस्टन, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबो। अगर इसका ऑप्शन क्या राइट ऑप्शन है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे तो अच्छा लगेगा, इसीलिए इसको हाईलाइट नहीं किया है हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज आसबल स्टेइंग। आसबल कहाँ रुका था? फाउलर्स होम, घर, फाउलर के घर पर, फ्रेंच होटल, फ्रांसीसी होटल में, मैक्स होम, मैक्स के घर पर, फ्रेंच इन, फ्रेंच के सराय में रुका था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, फ्रेंच होटल, फ्रांसीसी होटल में आसबल रुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द आसबल, हु इज द आथर ऑफ द स्टोरी द मिडनाइट विजिटर। मध्यरात्रि का आगंतुक नामक पाठ के लेखक कौन है? जेम्स हैरियट, रस्किन बॉन्ड, रॉबर्ट आर्थर, विक्टर कैनिंग। आप जानते हैं इसके लेखक रॉबर्ट आर्थर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज मैक्स होल्डिंग इन हिज हैंड। तो मैक्स अपने हाथ में क्या लिए था? आप जानते हैं, अ पिस्तौल, अ नाइफ, अ स्टिक, अ पीस ऑफ पेपर। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, एक पिस्तौल लिया था, इसी से तो डरा रहा था आसबल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसबल वाज अ डॉट डॉट फेलो। तो आसबल एक कैसा साथी था? एक्टिव एंड स्मार्ट, टाल एंड हैंडसम, फैट एंड स्लोपी, डल एंड बोरिंग। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, फैट एंड स्लोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज आसबल्स रूम सिचुएटेड इन द होटल। तो होटल में आसबल का रूम कहाँ स्थित था? ऑन द ग्राउंड फ्लोर, ऑन द फर्स्ट फ्लोर, ऑन द सिक्स्थ एंड टॉप फ्लोर, ऑन द सेकेंड फ्लोर। आप जानते हैं उसका रूम जो था ऑन द सिक्स्थ फ्लोर, छठवें मंजिल पर, और सबसे ऊंचे वाली मंजिल पर था, टॉप फ्लोर पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसबल वाज ब्रॉट टू पेरिस 20 years ago फ्रॉम। तो आसबल को 20 साल पहले पेरिस लाया गया था, कहाँ से?
लंदन से, मास्को से, बॉन से, बोस्टन से। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, बोस्टन से। नेक्स्ट, हाउ डिड फाउलर फील आफ्टर मीटिंग असबल। तो मीट असबल से मिलने के बाद फाउलर ने कैसा फील किया, एक्साइटेड, ओवरवेल्म्ड, डिसअपॉइंटेड, नन ऑफ द एबव। तो उसने बड़ा निराशा महसूस की थी, डिसअपॉइंटेड महसूस किया था असबल। तो आपका करेक्ट करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट लैंग्वेज डिड असबल स्पीक। असबल कौन भाषा बोलता था, जर्मन भाषा, फ्रेंच भाषा, नन ऑफ दीज, बोथ ऑफ, बोथ ए एंड बी। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, अर्थात जर्मन और फ्रेंच दोनों भाषा असबल बोलता था। हु वाज असबल, असबल कौन था, एक्टर, सीक्रेट एजेंट, सोल्जर, पुलिस। तो सीक्रेट एजेंट। नेक्स्ट, हु वाज मैक्स, मैक्स कौन था, फाउलर्स फ्रेंड, अ सोल्जर एंड द सीक्रेट एजेंट, असबल्स फ्रेंड। तो आप जानते हैं कि एन अदर सीक्रेट एजेंट, वो भी एक दूसरा गुप्त सूचनाओं को प्राप्त करने वाला एजेंट था। नेक्स्ट, हु वाज नॉकिंग एट द डोर। तो दरवाजा पर दस्तक कौन दे रहा था, कौन खटखटा रहा था, फाउलर, द वेटर, सोल्जर, असबल्स फ्रेंड। आप जानते हैं वेटर खटखटा रहा था, लेकिन असबल ने कहा कि पुलिस है। हु वाज नॉकिंग एट द डोर, ये इसका अभी हम लोग देख लिए। तो लास्ट क्वेश्चन है, हु फेल डाउन फ्रॉम द टॉप फ्लोर ऑफ द होटल। तो होटल की सबसे ऊंचे वाली मंजिल से कौन नीचे गिर गया, असबल, वेटर, मैक्स, एजेंट। तो आप जानते हैं मैक्स गिर गया, क्योंकि उस खिड़की पर दोनों पैर रख लिया था और उस सोचा पुलिस आ रही, इसलिए कूद गया। उम्मीद करता हूँ कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल होंगे, आपको पसंद आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।